वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स. यस्टरडे वी स्टार्ट द टॉपिक पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन. फर्स्ट वी डिस्कस पावर सीरीज एक्सपेंशन टेलर सीरीज. टेलर सीरीज स्टेटमेंट सेज दैट द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन एट ईच पॉइंट ऑफ सर्किल सी. इट सर्किल सी इट्स सेंटर स्मॉल ए एंड रेडियस कैपिटल आर. देन एट ईच पॉइंट जेड विद इन सी. सी ये सर्किल सी हो गया, ठीक है. इट्स सर्किल सी वन. जेड पॉइंट विद इन सर्किल सी. सपोज टी पॉइंट लाई ऑन द सर्किल सी. Radius capital R and radius small r. Mod of T minus A equal to capital R. Equation of circle C and equation of circle C1. Mod of Z minus A equal to small r. Then Taylor series are F of Z equal to F of A प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस एंड सॉन जेड माइनस ए रेस टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन ए. इसी को समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट जेड माइनस ए रेस टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन ए. समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट ए एन जेड माइनस ए रेस टू द पावर एन वेयर ए एन इक्वल टू एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल. और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल वन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए रेस टू द पावर एन प्लस वन डी जेड, ठीक है. तो ये तो स्टेटमेंट कल बताया था और इसका हाफ प्रूफ भी कल डिस्कस कर लिया था, ठीक है. उसको नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे. तो एफ जेड इक्वल टू समेशन ए एन जेड माइनस ए रेस टू द पावर एन और ए एन की वैल्यू क्लियर होनी चाहिए सभी को एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल. तो इसमें सबसे फर्स्ट क्या किया था कल वैल्यू इवेल्यूएट कर रहे थे वन अपॉन टी माइनस जेड की, ठीक है. इसमें ए को ऐड किया था और ए को सब्ट्रैक्ट किया था वन अपॉन टी माइनस जेड, ठीक है. तो ये वन अपॉन टी माइनस ए माइनस जेड माइनस ए इस फॉर्म में आया था. टी माइनस ए इसमें कॉमन लिया था, ठीक है. कॉमन लेके इसमें वन माइनस एल्फा की पावर माइनस वन इसका क्या फॉर्मूला जनरेट हुआ था वन प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस एंड सोन एल्फा की पावर एन माइनस वन प्लस एल्फा एन अपॉन वन माइनस एल्फा. इस एक्सपेंशन फॉर्मूले को यूज करके इसको नेक्स्ट सॉल्व कर रहे थे. नेक्स्ट उसके आगे डिस्कस करेंगे. सभी को इतना क्लियर होगा, ठीक है. ये स्टेटमेंट हो गया था और प्रूव कर रहे थे इसके लिए ये डायग्राम लिया था, ठीक है. क्लियर है सभी को वन अपॉन टी माइनस जेड और वन माइनस अल्फा की पावर माइनस वन का ये फॉर्मूला. और इसके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस टर्म को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है. तो वन माइनस अल्फा की पावर माइनस वन तो अल्फा की वैल्यू ये हो गई अल्फा जहाँ जहाँ है उसमें जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए पुट करके अपना ये टर्म यहाँ तक हो गया था, ठीक है. अब इसमें सबसे फर्स्ट मल्टीप्लाई करो वन अपॉन टी माइनस ए को सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया है सिंपल. तो ये वन अपॉन टी माइनस ए हो गया ये जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए स्क्वायर हो गया जेड माइनस ए स्क्वायर एच इट इज टी माइनस ए क्यूब, ठीक है. ये एच इट इज ये टी माइनस ए की पावर एन माइनस वन और एक पावर यहाँ पर है तो एन, ठीक है. और इससे मल्टीप्लाई कर इसमें एलसीएम ले लो. एलसीएम लोगे तो टी माइनस ए तो न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये टी माइनस ए माइनस जेड प्लस ए तो ए कैंसिल हो जाएगा टी माइनस जेड, ठीक है. तो इस टर्म का सॉल्यूशन टी माइनस ए अपॉन टी माइनस जेड ये टर्म एज इट इज हो गया और ये टी माइनस ए की पावर एन और इससे मल्टीप्लाई करोगे एन प्लस वन, ठीक है.
तो यहाँ पर सिंपल इस टर्म को मल्टीप्लाई किया है सभी टर्म्स के साथ. नाउ वी मल्टीप्लाई, देखो वन अपॉन टी माइनस जेड है, ठीक है. तो यहाँ पर एफ ओफ टी फंक्शन होगा और वन अपॉन टू पाई आयोटा. तो नाउ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, क्योंकि इस टाइम ये टी है सभी में, ठीक है. तो फंक्शन टी का फंक्शन होगा, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, कोची इंटीग्रल फॉर्मूले का यूज करके फिर उनको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे. तो इसलिए नाउ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एफ ऑफ टी अपॉन टू पाई आयोटा. तो वन अपॉन टू पाई आयोटा को तो सभी टर्म से बाहर रखोगे और एफ ऑफ टी को इंटीग्रेशन के अंदर लेंगे, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एफ ऑफ टी अपॉन टू पाई आयोटा एंड देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी अलोंग सर्किल सी, देन वी गेट दिस टर्म, ठीक है. तो इजीली जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म आ जाएगा जेड माइनस ए की पावर एन माइनस वन, बाहर लोगे, टी से इंडिपेंडेंट है, वन अपॉन टू पाई आयोटा भी बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस ए की पावर एन टी टी, ठीक है. और लास्ट टर्म जो है इसमें ये बाहर लो, जेड माइनस ए की पावर एन ये हो गया और इन सब में टी आ रहा है, तो ये सभी इंटीग्रेशन में रहेंगे यहाँ पर अपना, ठीक है. तो वन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस ए की पावर एन टी माइनस जेड टी टी. क्लियर है सभी को, सिंपल मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर टी माइनस ए की पावर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली यहाँ पर टी माइनस ए की पावर एन टी माइनस जेड एफ ऑफ टी टी टी, ठीक है. तो इजी है स्टेप यहाँ तक. अब यहाँ पर देखो कोची इंटीग्रल फॉर्मूले को यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ये जो टर्म है वन अपॉन टू पाई आयोटा ये, ठीक है, जेड वाली टर्म्स को छोड़ दो, जेड माइनस ए स्क्वायर, जेड माइनस ए की पावर ये और ये, ठीक है, इन टर्म्स को छोड़कर बाकी जो टर्म्स हैं ये है इधर ये टर्म इधर वन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन ये, इन टर्म्स की वैल्यू कोची इंटीग्रल फॉर्मूले से पुट करेंगे यहाँ पर. तो इसका बताओ क्या वैल्यू हो जाएगा, जैसे यहाँ पर जेड पॉइंट है वन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड, किसके इक्वल होता है एफ ऑफ जेड नोट, ठीक है. तो यहाँ पर जो पॉइंट होता है ये सेंटर होता है, तो मेन जो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग एफ जेड नोट था, तो यहाँ पर जेड पॉइंट है, तो इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ ऑफ जेड, ठीक है. ये तो लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ जेड, ये बताओ यहाँ पर एफ ऑफ टी और ये टी, ठीक है, और यहाँ पर ए पॉइंट है, तो ये किसके इक्वल होगा एफ ऑफ ए प्लस जेड माइनस ए एच इट इज रखो और वन अपॉन टू पाई आयोटा एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस ए का स्क्वायर, स्क्वायर है वन प्लस वन, ठीक है. जैसे जर्नल अपना एफ एन ए की वैल्यू ले लो, एफ एन ए किसके इक्वल होता है एफ एन ए, इसको डिफाइन करो फैक्टोरियल एन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस ए रेस टू द पावर एन प्लस वन डी टी, ठीक है. यहाँ पर टी फंक्शन है एफ टी डी टी और टी, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टी ले लिया. एफ एन जेड नोट होता है यहाँ पे, जैसे जनरली जनरल डेरिवेशन में एफ एन जेड नोट को डिफाइन किया था, तो उसमें फैक्टोरियल एन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी, यहाँ तो जेड था, ठीक है, एफ जेड है तो ये जेड माइनस जेड नोट रेस टू द पावर एन प्लस वन डी जेड, ठीक है. तो जेड 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 और ये सेंटर, तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखो इन चीज़ों को कि किस तरह से पॉइंट्स चेंज होने पर कैसे उसको डिफाइन करोगे. तो यहाँ पर ए पॉइंट है तो ये तो ए आएगा और यहाँ पर टी ले लिया, क्योंकि यहाँ पर अपना टी पॉइंट है, सर्किल जो सी था उस पर टी पॉइंट लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टी के फॉर्म में आ रहे हैं ये टर्म्स. तो इसके अकॉर्डिंग एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल इक्वल टू वन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस ए की पावर एन प्लस वन डी टी. अब यहाँ पर n की वैल्यू ये स्क्वायर है t माइनस ए का स्क्वायर, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, n की वैल्यू 1 होगी तो ये एफ डैश ए अपॉन 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, n की वैल्यू 1
तो ये टी माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और ये एफ डैश ए अपॉन वन फैक्टोरियल, ठीक है, क्यूब होगा, जैसे नेक्स्ट स्टेप में क्यूब है, टी माइनस ए क्यूब, एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस ए क्यूब, क्यूब को टू प्लस वन, तो एन की वैल्यू टू हो जाएगी, देन राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू एफ डबल डैश ए अपॉन टू फैक्टोरियल, ठीक है, टी माइनस ए की पावर फोर होगा तो एन की वैल्यू थ्री हो जाएगी, और यहाँ पर एन होगा, एन में जैसे टी माइनस ए की पावर एन है तो इसको टी माइनस ए की पावर एन माइनस वन प्लस वन, ठीक है, तो एन की वैल्यू एन माइनस वन, तो ये एफ एन माइनस वन ए अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो इस तरह से कोची इंटीग्रल फॉर्मूले को यूज करके वन अपॉन टू पाई आयोटा और इंटीग्रेशन वाली जो टर्म्स हैं इन सभी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे यहाँ इस टर्म तक, ठीक है, लास्ट वाली टर्म को छोड़ दो यहाँ पर, क्योंकि इसमें तो टू टर्म्स आ रही हैं तो यहाँ तो कोची इंटीग्रल फॉर्मूले का यूज नहीं होगा, क्लियर है सभी को, ठीक है, ये एक्स्ट्रा टर्म है टी माइनस जेड, तो यहाँ तक की टर्म्स में कोची इंटीग्रल फॉर्मूले का यूज करेंगे, जेड माइनस ए एच टीच रखो और ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एफ डैश ए अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस जेड माइनस ए स्क्वायर एच टीच रखो और ये हो जाएगा एफ डबल डैश ए अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एंड सोन। यहाँ से देखो जेड माइनस ए की पावर एन माइनस वन, ये तो एच टीच रखो, ठीक है, और यहाँ पर एन है तो वो इसमें माइनस वन और प्लस वन कर लो, ठीक है, तो एन की वैल्यू एन माइनस वन हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये एफ एन माइनस वन अपॉन ए अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल प्लस लास्ट जो टर्म है इसको कंप्लीट यू एन सपोज कर लो, सपोज दिस टर्म इज इक्वल टू यू एन, ठीक है, सिंस यहाँ रीजन दो, ये टर्म्स जो यूज करी हैं वो किससे यूज करी हैं, कोची इंटीग्रल फॉर्मूले से, एफ एन ए इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ टी अपॉन टी माइनस ए रेज टू द पावर एन प्लस वन डी टी। तो इससे ये हो गया, ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, इनमें मेनली यही है कि पॉइंट्स किसके अकॉर्डिंग उसको डिफाइन कर रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, तो इसका यूज करके ये सभी टर्म्स फाइंड आउट किए, ठीक है, और प्रैक्टिस करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर इसको समेशन फॉर्म में ले लो, इट इम्प्लाइज एफ ऑफ जेड इक्वल टू समेशन एन माइनस वन तक वैल्यू जा रही है, ठीक है, तो आर इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन जेड माइनस ए रेज टू द पावर आर एफ आर ए अपॉन फैक्टोरियल आर प्लस यू एन, ठीक है, नाउ टेकिंग लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, टेकिंग लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, अब देखो एन टेंस टू इनफाइनाइट होगा तो ये टर्म इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है, इनफाइनाइट माइनस वन इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट, ये टर्म एज इट इज और यहाँ पर लिमिट लोगे लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन, क्लियर है, ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में प्रूव करेंगे लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन इक्वल टू जीरो, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो टेलर सीरीज अपना जिस फॉर्म में प्रूव करना था वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ले लिया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा और यहाँ पर ये, अब इस टर्म को इक्वल टू जीरो प्रूव करेंगे, ठीक है, अब इसको प्रूव करना है यू एन की वैल्यू ये है अपने पास, ठीक है, लास्ट सपोज किया था यू एन इक्वल टू ये मोड ले लो दोनों साइड, टेकिंग मोड बोथ साइड्स, ये मोड ले लिया, ठीक है, पूरे टर्म पे मोड को अंदर लोगे सभी टर्म्स पे लोगे तो साइन लेस देन इक्वल टू का आएगा, ठीक है, और मोड ऑफ जेड माइनस ए हो जाएगा, ये मोड आयोटा वन हो जाएगा, ठीक है, और ये मोड ऑफ एफ टी मोड ऑफ टी माइनस ए रेज टू द पावर एन और मोड ऑफ टी माइनस जेड, मोड ऑफ एफ टी इज लेस देन इक्वल टू एम, ठीक है, फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है तो फंक्शन जो है वो बाउंडेड फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा,
मोड ऑफ एफ टी इज लेस देन इक्वल टू एम। और वैसे भी टी पॉइंट जो है वो किस पर बिलोंग कर रहा है, सर्किल सी पर बिलोंग कर रहा है, तो उसकी जो मैक्सिमम मैक्सिम टी पॉइंट सी सर्किल पर लाई कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ये है टी पॉइंट। तो फंक्शन क्या हो जाएगा इस पॉइंट पर एफ ऑफ टी, तो वो मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम लेगा, तो इसके इक्वल होगी फंक्शन की वैल्यू या इससे लेस होगी, तो मोड ऑफ एफ टी इज लेस देन इक्वल टू एम। और वैसे भी एनालिटिक फंक्शन है तो डिफ्रेंसीबल होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, तो वो बाउंडेड फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो मोड ऑफ एफ टी इज लेस देन इक्वल टू एम ये पुट कर दिया। ठीक है, मोड ऑफ टी माइनस ए सर्किल की इक्वेशन क्या है, सी सर्किल की जो इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग ये कैपिटल आर था, तो ये आर रेस टू द पावर एन हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट है बाहर ले लो, यहाँ पर ये टर्म है मोड जेड वन माइनस जेड टू, तो यहाँ पर इनइक्वलिटी यूज की है। देखो सिंस मोड ऑफ जेड वन माइनस, पहले भी बताया था आप लोगों को, जेड वन माइनस जेड टू इज ग्रेटर दैन इक्वल टू मोड ऑफ जेड वन माइनस मोड ऑफ जेड टू। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका अपोजिट करोगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है टर्म, तो वन अपॉन मोड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू इज लेस देन इक्वल टू वन अपॉन मोड जेड वन माइनस मोड जेड टू। ठीक है, तो इस इनइक्वलिटी का यूज यहाँ पर किया है वन अपॉन टी माइनस ए माइनस जेड माइनस ए, तो ये अलग अलग मोड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और साइन लेस देन इक्वल टू का आएगा, ये टर्म्स एज इट इज रहने दिए। अब ये दोनों की वैल्यू पुट कर दो, ये तो कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है। ठीक है, ये सी सर्किल के इक्वेशन और ये सी वन के अकॉर्डिंग ये स्मॉल आर के इक्वल है, पुट कर दो इसको। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, बाकी टर्म एच डीज है और इंटीग्रेशन ऑफ सी मोड ऑफ डी टी। ठीक है, सर्किल सी के अकॉर्डिंग रेडियस कैपिटल आर है, तो ये जो है लेंथ और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल सी इक्वल टू टू पाई आर। ठीक है, टू पाई कैंसिल हो जाएगा और इन टर्म को एच इट इज रखोगे एम इंटू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और इसको एच इट इज रहने दो। ठीक है, अब मोड ऑफ यू एन को यदि साथ लेते चलते हो तो साइन लेस देन इक्वल टू का यूज करोगे। ठीक है, और ये टर्म इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से मोड ऑफ यू एन इज लेस देन इक्वल टू दिस टर्म। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लो दोनों साइड में, ये लिमिट ले लिया दोनों साइड में। ठीक है, ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया, एन से इंडिपेंडेंट है, और इस पर ये लिमिट ले लिया, ये हो गया लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट मोड ऑफ यू एन टेंस टू जीरो। बिकॉज यहाँ पर देखो लिमिट एन टेंस टू रिजल्ट यूज किया है, फिर फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सीरीज चैप्टर जो था उसमें लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्स रेस टू द पावर एन इक्वल टू जीरो, और ये वैल्यू इनफाइनाइट होगी, जीरो वैल्यू तो होगी इफ एक्स इज लेस देन वन, और एक्स इज ग्रेटर देन वन देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इस रिजल्ट को यहाँ पर यूज किया है, अब ये देखना है कि ये जो एक्स की वैल्यू है लेस देन वन और ग्रेटर देन वन के केस में ये वैल्यूज है, तो यहाँ पर स्मॉल आर अपॉन आर जो है वो लेस देन वन होगा या ग्रेटर देन वन होगा। ठीक है, एंड स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, स्मॉल आर सी वन सर्किल की रेडियस थी, ये सी सर्किल की, तो ये ग्रेटर है और ये लेस, तो इससे अपना रिजल्ट आएगा स्मॉल आर अपॉन आर इज लेस देन वन, तो ये लेस देन वन होगी मीन्स इस टर्म की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसको कंप्लीट रीजन हो गया, अब ये टेंस टू जीरो हो गया, तो इससे कह सकते हो सो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो प्रूव हो गया लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन इक्वल टू जीरो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट कर दो, इक्वेशन सेकंड थी, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एफ ऑफ जेड इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट, क्या क्या टर्म्स थी, जेड माइनस ए रेस टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल एफ आर ए, आर को एन से रिप्लेस कर दो, समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट जेड माइनस ए रेस टू द पावर एन एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल। ठीक है, आर को
एन से रिप्लेस किया है सिंपल, और समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट, ये टर्म यदि ए एन के इक्वल हो ए एन जेड माइनस ए रेस टू द पावर एन, यही टेलर सीरीज का फॉर्म था, वेयर ए एन इक्वल टू एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू भी पुट करो यहाँ पे कि क्या होगा, ये एन है तो यहाँ पर एन प्लस वन होगा, ठीक है ये हो गया। तो ये टेलर सीरीज का कंप्लीट प्रूव यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लॉरेंट सीरीज करेंगे इसमें, तो इस थ्योरम को कंप्लीट नोट करोगे दोनों वीडियोस को इंक्लूड करते हुए, और इसको प्रैक्टिस करना सभी स्टूडेंट्स।